कराची, 1.5 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश नाकाम। डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जा बहक। कराची के इलाके गुलिस्ताने जौहर में शॉपिंग मॉल के करीब डाकुओं ने 1.5 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश की। ताहम मौके पर मौजूद अफराद और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से रकम तो बच गई, लेकिन इस दौरान डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जा बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकामी बिल्डर का अमला 1.5 करोड़ रुपए लेकर जा रहा था कि मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड मुबीन और एक राहगीर जा बहक हो गया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर गश्त पर मामूर पुलिस अहलकार भी फौरी पहुंच गए और मुलजमान की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 मुलजमान जख्मी हो गए, जबकि एक डाकू पुलिस पर फायरिंग करता हुआ करीबी शॉपिंग मॉल में चला गया। मौके पर मौजूद शहरियों ने भी डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला एक डाकू भी दम तोड़ गया। बिल्डर के अमले का कहना है कि कैश दूसरे ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा था कि डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की। जा बहक होने वाला सिक्योरिटी गार्ड काफी अरसे से उनके साथ काम कर रहा था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान इससे कबल भी कई वारदातें कर चुके हैं। उन्होंने गुलिस्ताने जौहर में भी शहरी को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया था।